Thank you. टू माय चैनल बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप कैसे सब मैनेज करते हो घर बच्चे हाउस हेल्प नहीं होने के बाद भी आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव पर यूट्यूब आप कैसे मैनेज करते हो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता तो उनके जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई देखिए अगर आपका किचन सॉर्ट आउट रहता है ना अगर आपके दिमाग में प्लान होता है तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो तो प्लानिंग करना शुरू करें और सॉर्टिंग करना भी शुरू करें जैसे कि मैं मेरे वीक का आज एक रूटीन शेयर कर तो वीक में एक दिन मैं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स आजकल सर्दियों में बहुत मिल रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स तो वैसे भी मेरे घर पे सर्दी हो या गर्मी ऑल आते ही है और अभी फ्रेश मिल रहे तो अभी कुछ ज्यादा ही आते हैं तो हफ्ते में एक या दो दिन डिपेंड कि मेरा कैसा शूट है उसके ऊपर मैं लेके आती हूँ वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स के साथ यहां मैंने एक लोटस और गुलाब भी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे गुरुवार का व्रत होता है तो यहां धनिया पुदीना और मैंने पालक मेथी ये सारे वेजिटेबल्स और भी वेजिटेबल्स लेके एक ही बार में मैं सारा सॉर्ट आउट करके रखती हूं ताकि आराम से मेरे दस बारह दिन पंद्रह दिन एकदम स्मूथ से जाए कैसे करती हूँ ये देख लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पुदीना कर रही हूँ पुदीने को डायरेक्टली नीचे से मैं कट कर रही हूँ और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आप डिस्कार्ड कर ले अगर आप पुदीना की पॉटिंग करना चाहते हैं तो भी आप ये जो नीचे वाला भाग है उसको तो डिस्कार्ड करने के बाद अब जो अच्छी वाली डंडियाँ आपको मिलेगी वो आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया अच्छा इसके पत्ते कैसे निकालना बस आपको उल्टे डायरेक्शन में पत्ते को नीचे की तरफ खींचना है और ऊपर से आप इस तरह से तोड़ के ले लें बहुत ही ईजी तरीका है आपको कोई तलने वाला झारा वगैरह की लेने की भी जरूरत नहीं है कोई बास्केट वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है ये तरीका बहुत अच्छा है देखिए ये मुझे अच्छी रंडी दिख रही है तो मैं अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगी वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो इसी तरह से मैं सारा पुदीना को साफ करूंगी वैसे ये जो सारे काम होते हैं ना उसमें आपकी स्पीड बढ़ाइए मतलब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाइए कभी आपको दस मिनट लग रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको सात से आठ मिनट ही लगने चाहिए अगर आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं तो आपको आपकी स्पीड पे और आपकी प्लानिंग पे दोनों पे ही काम करना पड़ेगा तो वहाँ मेरा पुदीना हो चुका है मैंने एक अलग बास्केट में से रख लिया है अब मैं यहाँ कर रही हूँ मेथी तो मेथी का भी नीचे का साइड में डायरेक्टली कट कर लूंगी ताकि एकदम फटाफट से काम आसान हो जाए अब मैं यहां एक 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 मेथी करके नहीं करने वाली फ्रेंड्स उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है कोई एल्डर पर्सन आपके घर पे वो कर सकता है तो ठीक है बाकी मैं तो सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज करती हूं तो मैं क्या करती हूं एक साथ पूरा ऐसे छोटा सा गुच्छा ले लेती हूँ और साइड में से मेथी तोड़ लेती हूं और ऊपर से पूरा ब्रांच और डंडी के साथ ही तोड़ लेती हूँ पतली पतली डियां में रखती हूँ मोटी मोटी डंडियां मैं निकाल देती हूँ और उसी तरह से मैं अभी पालक कर लूंगी पर पालक आप कैसी ले छोटी वाली पालक ले तो उसमें है ना वेस्टेज कम निकलती है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है देखिए पालक बहुत ही अच्छी मिली है सर्दियों के मौसम में पालक बहुत अच्छी मिलती है तो पालक को भी है ना आप ब्लांच करके अगर रखेंगे ना तो जहाँ पालक आपके हफ्ते भर रहती थी वो पंद्रह दिन तक रहेगी और काम भी आसान हो जाएगा जब चाहिए उसकी पूरी बनाइए जब चाहिए आप आ, पालक पनीर बना सकते हैं या पराठे में आप डाल के से इंजॉय कर सकते हैं पालक का सूप भी आप बना सकते हैं तो इस तरीके से आप पालक को साफ़ कर लें चलिए अब धनिया को भी साफ़ कर लेते हैं तो इसका भी नीचे का पार्ट मैं डायरेक्टली कट कर लूँगी और सर्दियाँ ना हो तब भी धनिया मेरे घर पे आती है क्योंकि मुझे शूट वगैरह भी रहता है और मुझे हर एक चीज़ में धनिया डालना बहुत ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो धनिया की नीचे की डंडी अगर आप काट लेंगे ना इस तरह से तो बाद में आपका काम आसान हो जाएगा जैसे मेथी तोड़ लेना उसी तरह से और ये जो डंडियाँ हैं धनिया की इसे बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है मैं इसका वीडियो इसकी जो टिप है वो टिप वाले वीडियो में शेयर करूंगी तो मेरे चैनल पे आप जरूर बने रहे वो डंडियाँ आप फेंकी ग नहीं उससे आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है कैसे बनती है कैसे उसे स्टोर करना है वो सारा मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ मेरी ये चारों हरी सब्जियाँ रेडी है तो अलग अलग बास्केट में मैंने इसे रख लिया है इसे मैं वॉश कर लूँगी और बाद में वॉशिंग मशीन में इसे सुखा लूँगी और डंडियों को भी मैं वॉश कर लूँगी अलग से इसे रखूँगी और वॉशिंग मशीन में सुखाने वाला वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट करें ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स है एकदम फ्रेश रहे और क्या वेजिटेबल्स लेके आई हूँ मैं लेके आई हूँ बंद गोभी कॉलीफ्लावर लेके आई हूँ कैबेज लेके आई हूँ साथ ही मैं कैप्सिकम लाई हूँ और अदरक भी अभी बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं तो अदरक भी लेके आई हूँ एकदम फ्रेश अदरक है अदरक को अच्छा आप है ना तोड़ के एक बार इसे स्मेल करके देखे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है यानी कि बहुत ही अच्छा अदरक है और एकदम साफ़ अदरक मुझे मिला है अच्छा आपकी आदत है क्या कि आप वेजिटेबल्स लेते हो तो बोले भैया थोड़ी सी मिर्ची डाल दो या थोड़ा सा कड़ी पत्ता दे दो तो यहाँ मुझे इतनी चीज़ें लेने के बाद मुझे थोड़ी सी मिर्ची फ्री में मिली है अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और कौन से शहर में आप रहते हैं ये भी बताइएगा अच्छा भिंडी कैसी ले तो भिंडी हमेशा ना छोटी भिंडी लीजिएगा और बहुत लोगों की आदत होती है कि भिंडी की टिप है ना इस तरह से तोड़ के चेक करते हैं कि फ्रेश है या नहीं बट इस तरह से भिंडी खराब हो जाती है तो ये ना करके आप क्या कर सकते हैं छोटी भिंडी लें और इसका जो टिप है ना उसको आप बस इस तरह से मूव करके देखें अगर ज्यादा मूव नहीं हो रहा है यानी टाइट है तो भिंडी एकदम फ्रेश है अगर बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है जैसे

लाल होने चाहिए अगर आप आधे कच्चे आधे पक्के टमाटर लाते हैं तो तो फिर उसे दो तीन दिन आपको बाहर न्यूज़पेपर या कोई कपड़े में लपेट के करना पड़ेगा तभी ये होगा जैसे ये थोड़ा सा येलो आ गया है क्योंकि वो उसने एक्स्ट्रा वेट करते हुए वेजिटेबल वाले ने डाल दिया बाकी देखिए मैंने टमाटर एकदम लाल लाल एकदम अच्छे लेके आई हूँ अभी सूप वगैरह भी रोज़ ही बनते हैं मेरे घर में अच्छा फूल गोभी लेते समय भी आपको एक ध्यान देना है इसके जो फूल होते हैं ऊपर वो बंद होने चाहिए तो मैं इसे भी वॉश करके रख लेती हूँ ताकि मैं उसे रेसिपीज़ में इंक्लूड कर सकूँ पुलाव बना रही हूँ उसमें बिरयानी में बना रही हूँ उसमें तो इसके जो फूल होते हैं ना ये ऊपर बंद होने चाहिए अगर अगर खुले खुले होंगे तो उसमें कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती इसलिए इसके फूल एकदम टाइट होने चाहिए एकदम बंद होने चाहिए तो इसमें कीड़े भी नहीं होते हैं और एकदम फ्रेश होती है वो वाली गोभी स्टेल नहीं होती है तो इसके फ्लोरेट्स को मैं अलग कर लूंगी इस तरह से और बाद में वो वॉश कर लेती हूं ताकि अगर एक परसेंट कीड़े होने का और धूल मिट्टी अंदर तक जो लगी होती है वो सारी अच्छी तरह से वॉश हो जाए और फिर ही मैं इसे स्टोर करूंगी अच्छा जो बंद गोभी होती है उसके बारे में भी एक टिप दे देती हूँ जब भी आप बंद गोभी लेना उसको वेट से चेक करके देखें अगर वो हल्की हो तो वो अच्छी है भारी लेने जाओगे तो उसका बीच का भाग है ना वो बहुत ज्यादा होता है वो कड़वा भी लगता है मैं तो उसे अपने ज में इंक्लूड नहीं करती हूँ तो आप अगली बार जब इस तरह से गोभी ले तो आप उसका वेट जरूर चेक करें हल्की होगी तो अच्छी होगी पत्तेदार होगी और कैरेट को भी आप कैसे कर ले सकते हैं आप चेक कर सकते हैं इसको तोड़ के अंदर बीच का भाग है ना सफ़ेद वो कम होना चाहिए तभी वो अच्छा कैरेट होता है और हमेशा कैरेट है ना मीडियम साइज़ के ही लेके आए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैरेट मुझे पसंद नहीं है मीडियम साइज में टेस्ट भी अच्छा होता है और वेस्टेज भी कम होती है तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर साथ ही मैं मटर भी लेके आई हूं तो मटर को मैं अभी वॉश नहीं करूंगी उससे सबसे पहले छीलूंगी तो इसको मैं अभी फिलहाल साइड में रख लेती हूँ मटर को वैसे कैसे स्टोर करना है अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो जरूर कमेंट करें और अदरक को आधे घंटे के लिए आपको सो करके रखना है बट ये अदरक साफ है तो मैं इसे तुरंत ही वॉश कर लूंगी दस मिनट के अंदर ही मैं इसे वॉश कर लेती हूँ तो चलिए सारे वेजिटेबल्स को आप वॉश कर लेते हैं सबसे पहले मैं हरी जो पत्तियां हैं उन सारी को साफ कर लूंगी अच्छी तरह से तीन चार पानी से आपको निकालना है ताकि धूल मिट्टी इम्प्योरिटीज वो सब निकल जाए और इसके बाद मैं इसे स्पिन के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी पिलो कवर कुशन कवर में डाल के या कोई कपड़े में आप लपेट कर उससे बहुत ही अच्छी तरह से ये सूख जाएगी और एकदम फ्रेश रहेगी आपकी वेजिटेबल्स और बाकी सारी वेजिटेबल्स को भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ तो यहां देखिए मैंने सारे सेग्रीगेट कर लिए हैं अलग अलग बास्केट में और ग्रीन वेजिटेबल्स को मैंने स्पिन में भी डाल दिया है देखिए एक दिन की मेहनत है एक दिन भी नहीं कहूँगी मैं तीन चार घंटे की मेहनत है अगर आप कर लोगे तो आपके दस से बारह दिन एकदम स्मूथ जाएंगे एकदम प्लानिंग वाइज जाएंगे तो वेजिटेबल्स भी मैं प्लानिंग वाइज दिलाती हूँ कि मुझे इसका शूट करना है उसका शूट करना है और ये खाना बनाना है वो खाना बनाना है उस हिसाब से वेजिटेबल्स भी लेके आए तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने आपको सुखाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई हो चुका है वॉशिंग मशीन में तो टिश्यू पेपर एक कंटेनर में लगाए और उसमें सारे वेजिटेबल्स को आप रख ले तो मैंने यहाँ पुदीना रख लिया है उसी तरह से धनिया भी मैं टिश्यू पेपर में ही रख लूंगी और इतना सारा धनिया इतने छोटे कंटेनर में आराम से आप दबा दबा के भर सकते हैं फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम फ्रेश रहती है ये सारी वेजिटेबल्स आप देखते हैं मेरे वीडियोस में ये ही मैं यूज़ करती हूँ ऐसे नहीं कि रोज़ शूट के लिए मैं रोज़ नया लेके आती हूँ वेजिटेबल्स तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे बंद कर लिया है और ये जो डंडियाँ हैं इसको मैं कल शूट करूँगी क्योंकि अभी डिनर करने का टाइम हो चुका है तो इसलिए मैं इसको कल शूट करूँगी इसलिए ये डब्बे में मैंने इसे रख लिया है वैसे ये जो डब्बा है ना मेरा धनिया पुदीना और और जो लेमन ग्रास है उसके लिए है बट आज मैंने लेमन ग्रास नहीं लाई हूँ तो उसके बदले मैंने यहाँ धनिया की डंडियाँ रख ली हैं तो ये मेरा सॉर्टेड आउट है तो उसी तरह से जो पालक मेथी है मैं इस तरह से जो कपड़े वाले बैग्स होती है उसमें ही प्रेफर करती हूँ इसे स्टोर करना या आपके पास पेपर बैग है तो पेपर बैग में भी बहुत फ्रेश रहती है हफ्ते भर तक आराम से ये चल जाएगी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी तो पालक वगैरह मैं इस तरह से कर लेती हूँ पालक को मैं ब्लान्च कर लूँगी कल और फिर उसकी प्यूरी बना के रखूँगी क्योंकि पालक की प्यूरी ही यूज़ होती है सब में तो वही मैं करूँगी ताकि मेरी पालक भी आराम से दस से पंद्रह दिन चले और ये जो नेट बैग्स हैं इसमें मैं सारे मेरे वेजिटेबल्स भर देती हूँ तो हफ्ते में एक बार अगर आप ये काम कर देंगे ना तो आपको क्या करना है फिर आपको सुबह उठना है बस चीज़ों को निकालना है और बना देना है दैट से कोई तभी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है भिंडी मैं अभी चॉप करूंगी क्योंकि कल मुझे सुबह टिफिन के लिए भिंडी बनानी है मिर्ची का गंठल मैंने तोड़ दिया है मिर्ची को भी डब्बे में रख दिया है और सारे जो वेजिटेबल्स है उसे नेट बैग्स में रख दिए हैं और ये जो टमाटर है मैं इस तरह से बास्केट में ही रखती हूँ और फ्रिज में इन सारी वेजिटेबल्स को अब रख दूँगी और इसके बाद अब मटर छिलने की बारी तो मटर छिलना मतलब मैंने डिनर कर लिया है अब मेरी मटर छिलने की बारी है तो मटर छिलते छिलते आप बच्चों को बिठा सकते हैं पूरे परिवार साथ में मटर छिल सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है और मैं बाकियों की तरह ऐसे नहीं कि पानी में आप उबालो और मटर डालो मुझे वो सब पसंद नहीं है फ्रेंड्स बिल्कुल भी तो मैं इसी तरह से मटर छिलती हूँ और बेस्ट वे है मटर छिलने का कि आप परिवार के साथ छिले या आप टीवी देखते देखते आप छिल सकते हैं तो नेक्स्ट डे आप छिल ले जिस दिन लाए हो उस दिन नहीं पॉसिबल है तो नेट बास्केट में रख लीजिए और बाद में आप नेक्स्ट डे से छील सकते हैं तो यहाँ रात के अब साढ़े दस बज चुके हैं मैंने टीवी देखते देखते मटर भी छील लिए हैं और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प की है और इसे वॉश कर लिया है और इस तरह से कपड़े पर बिछा लिया है ताकि नेक्स्ट डे सुबह तक ये आराम से सूख जाए और बाद में मेरे यूज़ के लिए पूरी तैयार हो जाए तो चलिए नेक्स्ट डे मिलती हूँ तो नेक्स्ट डे हो चुके हैं और ये देखिए एकदम अच्छी तरह से सूख चुके हैं और सब कुछ एकदम क्लीन है एकदम रेडी है तो बस निकालो और डालो इतनी मटर में मैं फ्रेंड्स मेरे पुलाव के लिए भी काम आ जाएगा मेरी रेसिपीज़ के लिए काम आ जाएगा काफ़ी काम आ जाते हैं मटर के पराठे वगैरह भी बन जाते हैं तो इस तरह से मैं इसे टिश्यू पेपर में ही रखना प्रेफर करती हूँ और आपको लगे कि टिश्यू पेपर गीला हो चुका है तो चेंज कर दे तो है ना अगर रेडी होती है चीज़ें तो काम भी आसान हो जाता है फिर आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं तो यहाँ मटर भी मेरा छिलके रेडी है जब चाहिए पुलाव में थोड़े से चाहिए हैंडफुल ऑफ निकालो और डाल दो चलिए एक और चीज़ मैं रेडी करके रखती हूँ तो नेक्स्ट डे का ही शूट कर रही हूँ तो जो धनिया हमने वॉश करके रखा था उसी में से थोड़ा सा धनिया निकाल रही हूँ और इसको चॉप करके रखूंगी देखिए हमेशा जब आप धनिया डालते हैं कोई भी रेसिपीज में तो आप चॉप करते हैं तो तब चॉपर का यूज़ करते हैं तब नाइफ़ का यूज़ करते हैं उससे अच्छा एक ही बार में अगर थोड़े से धनिया हम चॉप करके रख दें और फिर आपको नाइफ़ खराब करने की ज़रूरत नहीं है चॉपर खराब करने की ज़रूरत नहीं है यानी दो बर्तन तो कम हुए तो जितना कम होगा उतना आपका टाइम भी बचेगा तो एक बार बस ये कर ले आप धनिया को चॉप करके और फिर एक कांच की बोतल में भर के रख ले कांच की बोतल ही नहीं बोलूंगी मैं स्टील का डब्बा भी नहीं बोलूंगी या नहीं प्लास्टिक का कंटेनर कांच की बोतल जो सूखी हो एकदम उसमें आप इस तरह से चॉप धनिया को रख लें क्योंकि क्या होता है जब हम कुकिंग करते हैं गीला गीला धनिया अगर आप तभी वॉश करके उसको चॉप करते तो आधा तो चॉपर पर ही चिपक जाता है और हाथों पे भी चिपक जाता है उससे अच्छा आप इस तरह से धनिया धोए सुखाएं उसको चॉप करके एक कांच की बोतल में रखें और न्यूटेला है हनी हाँ है जो इस टाइप की बोतल आती है उसे फेंके नहीं उसे इस टाइप से आप स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लहसन भी आप इसी तरह से छील के कांच की बोतल में स्टोर करें फ्रिज में और ये देखिए पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है और इसकी प्यूरी के रख लूंगी ताकि मैं से इसका सूप बना सकूं या पालक पनीर में यूज कर सकूं तो आज तो मैं कम पालक लाई हूं बट वैसे अगर ज्यादा लाते हैं तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स क्या सीखा आपने आज के वीडियो से प्लानिंग करी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे आपका टाइम बचता है अगर आप वीक में एक बार तीन से चार घंटे अगर इस तरह से क्लीनिंग में देंगे आपके वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने में देंगे किचन सॉर्ट आउट रहेगा तो आपका माइंड ठंडा रहेगा आपका काम समय पे होगा और आप आपका ध्यान आपका फोकस आपको जो पसंद है या आप जो जॉब कर रहे हो उस पर आप कर पाओगे और उसमें आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी इसी तरह से मैंने अपनी जो यूट्यूब की जर्नी है वो स्टार्ट की और फिर आपसे शेयर करती गई आपने पसंद किया मुझे और इसी तरह से मेरी ब्यूटी ब्रेन की फैमिली आज इतनी बड़ी हो गई है तो आप आपके काम पे फोकस करने के लिए आपको चीज़ों को प्लान करके आपके समय को बचाना होगा और उस समय को आपको आपकी पसंदीदा चीज़ में लगाना होगा चाहे वो यूट्यूब हो या जॉब कर रहे हो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो यूजफुल लगी हो तो दूसरों को शेयर करेगा और एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टिल देन टेक केयर बाय